कॉजेज है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, इसी पे बुनियाद पे बातें हो तो ज्यादा बेहतर हो। और क्या इसको डिमोलिश करना पड़ेगा, इसको रिपेयरिंग करने की आवश्यकता है, बगैर डिमोलिश किए कुछ नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति और सारे लोग अपने जगह पे बैठे हैं, महिलाएं खुद ही अपने सम्मान को लगातार ले लीजिए, राजनीतिक और सामाजिक रूप से कमजोर कर दिए उठ गए। आज नहीं, महिलाएं का सम्मान इस कंट्री में कब हुआ? बांझ के समय, संधि के समय, ठीक है वो तो मेरी भी गाड़ियां हैं, दुर्गा इनका तो मेरा घर, द्रौपदी के समय संबंधित है, उसके बाद आपको उसके पहले आप चले जाइए चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो आप लोग जिस के लिए फाइट करने के लिए आए हैं आप उसको पता चलेगा। बेटियों की सुरक्षा की प्रमुख मांगे जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस मांगों को लेकर वो मैं 17 में मामी बेटी की तरह मांगे मैं पढ़ के, पत्नी बेटी की तरह, जस्टिस वर्मा और जस्टिस मेहरा समिति की सिफारिशों को तत्काल मैडम हर साल लागू किया जाए। ये जस्टिस वर्मा तथा जस्टिस मेहरा जो समिति की सिफारिशें थी निर्भया आपको निर्भया कांड के बाद गलबन आया था, वो सिफारिशें क्या थी और यही वो सिफारिशों को जानने के लिए अभी अभी वक्त नहीं है, मैं बता दूंगा आप नेट पे भी जाके सर्च कर लें। उस सिफारिशों को अक्षर साल लागू किया जाए, हर शहर में मासूम बच्चियों के साथ निर्भया फंड की राशि बढ़ाई जाए, जो निर्भया कांड के बाद जो निर्भया फंड समाज के बीच गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था उस राशि को बढ़ाई जाए, उसे खर्च करने का समुचित नियमावली बनाया जाए, निर्भया फंड के अन्य मदों में खर्च पे रोक लगाई जाए। निर्भया समाज के जैसे अभी पप्पू यादव जी ने बोला, कब अजीब सी जात समझ के आप निर्भया कांड होता है, केशुबल के रोड पे आता है और उसके लिए संघर्ष करता है और उसके लिए तुरंत उस मौजूदा गवर्नमेंट ने एक निर्भया फंड को बना के राशि बढ़ाई जाए। Yeah.